एक लड़का जो बचपन में नंगे पांव गंगा किनारे दौड़ा करता था, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो फिर सेना में उसकी भर्ती होती है। दौड़ना उसकी आदत थी और भैया आदत तो प्रकृति बन जाती है। दौड़ने की उसकी इस प्रतिभा से उसको मौका मिलता है एशियाड में और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं बिहार से हैं। अब ऐसा है कि अब तक आपने जो सुना वो किसी फिल्मी कहानी से आपको मालूम पड़ रही होगी, माफ कीजिएगा पर है वो वास्तविक। हम बात कर रहे हैं बिहार की मिट्टी में पैदा लेने वाले उस लाल की जिसने 1974 के तेहरान एशियाड में 5000 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 108 नंबर की जर्सी पहन 14 मिनट 20.5 सेकंड का समय निकाल भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। हम बात कर रहे हैं शिवनाथ सिंह की। उनका जन्म 11 जुलाई 1946 को बक्सर जिले के मंझरिया में हुआ था। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, तो आइए जानते हैं उनके करियर से जुड़े कुछ यादगार पल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताते चले कि 1974 एशियाड में ही 5000 के अलावा उन्होंने 10000 मीटर की दौड़ में भी रजत पदक अपने नाम किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के इस लाल ने दोनों ही रेस नंगे पांव जीती थी और इतिहास रच दिया था। ये उनकी बेजोड़ प्रतिभा का ही कमाल है कि 5000 मीटर और 10000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम दर्ज है। इसके अलावा सेना में नायब सूबेदार रहते हुए राष्ट्रपति से विशेष सेवा मेडल पाने वाले वे बिहार के एकमात्र एथलीट हैं। उनके करिश्माई प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। शिवनाथ सिंह ने लगातार दो ओलंपिक यानी कि 1976 मॉन्ट्रियल और 1980 मॉस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक के 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ में 11वां स्थान हासिल किया था। उनका निधन 6 जून 2003 को 57 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, लेकिन उनके प्रदर्शन और जज्बे से आज भी बिहार के खिलाड़ी खुद को प्रेरित कर पाते हैं। तो ये थी कहानी शिवनाथ सिंह की। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए बिहार से हैं। धन्यवाद।